जनरली हमें लगता है कि लैंग्वेज हमें बात करना सिखाती है, कम्युनिकेट करना सिखाती है, बट मेरा ये मानना है कि लैंग्वेज एक्चुअली हमें सोचना सिखाती है। आखिर एक लैंग्वेज है क्या? ये एक तरीका है जिससे एक कल्चर कुछ साउंड्स को कुछ मीनिंग्स के साथ एसोसिएट करती है, और ये मैपिंग इस बात पर डिपेंड करता है कि इस कल्चर किन चीज़ों को वैल्यू करती है, इसके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, और ये लाइफ के किन चीज़ों को ज़रूरी मानती है। तमिल या हिंदी में आपको कैंगरू शब्द के इक्विवेलेंट नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जानवर हमारे आसपास नहीं होते, एंड तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी इनके लिए एक शब्द रखने की। तो बात क्लियर है, जैसा हम सोचते हैं और जो हम भाषा बोलते हैं, उन दोनों में बहुत बड़ा कोरिलेशन है। नामीबिया में एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है हिम्बा ट्राइब। इनके भाषा में ग्रीन और ब्लू के लिए डिफरेंट वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते। देयरफॉर स्टडीज में ये पाया गया कि हिम्बा लोग एक्चुअली ग्रीन और ब्लू में डिस्टिंग्विश करने में डिफिकल्टी महसूस करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके भाषा में एक शेड ऑफ ग्रीन का एक नाम है जो कि बाकी भाषाओं में एग्जिस्ट नहीं करता, एंड वो इस रंग को बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाकियों के कंपेयर। क्योंकि लिंग्विस्टिक्स एक वास्ट सब्जेक्ट है, इस वीडियो में हम एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो कि हर कल्चर में रेलिवेंट है, और वो है जेंडर। अब काफियों को लगता होगा कि इसमें क्या है, मेल और फीमेल दो ही तो जेंडर हुए। दरअसल मेल और फीमेल का डिस्टिंक्शन, इसको सेक्स बोला जाता है। लोग सेक्स और जेंडर को सेम सेंस में यूज करते हैं, मगर ये एक्चुअली डिफरेंट टर्म्स हैं। सेक्स एक बायोलॉजिकल टर्म है जबकि जेंडर एक साइकोलॉजिकल टर्म है। बायोलॉजिकली दो सेक्स ग्रुप्स होते हैं, मेल और फीमेल। मेल्स के XY क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल्स के XX। ये डिस्टिंक्शन अक्रॉस कल्चर्स एंड नेशंस कंसिस्टेंट रहता है। जेंडर ऑन द अदर हैंड एक सोशियोलॉजिकल टर्म है जो कि समय और कल्चर के साथ बदलता रहता है। जेंडर इज ऑल अबाउट कि आप अपने सेक्स को सोसाइटी में एक्सप्रेस कैसे करते हो, आप क्या रोल्स लेते हो और आप किन जेंडर से अट्रैक्ट होते हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। Did you know that pink at one time was considered to be a masculine color, और blue को एक feminine color माना जाता था। Time के साथ World War के बाद ये associations flip हो गए, और अभी pink को feminine color माना जाता है और blue को masculine color। 2010 में एक study हुआ था जिसमें एक group of Spanish and German speakers को एक bridge को describe करने को कहा गया था। Spanish speakers ने bridge को describe करने के लिए ये words use किए थे, a big bridge, a long bridge, a strong bridge, जबकि the Germans used words like elegant, useful and beautiful. Reason? Spanish में bridge को कहते हैं el puente, जो कि एक masculine word है, और German में bridge को कहते हैं die Brücke, जो कि एक feminine word है. Therefore, Spanish people bridge को describe करने के लिए subconsciously masculine adjectives use करते हैं और Germans feminine. जब सेम स्टडी को रिपीट किया गया था चाबी के साथ, विच इज ला क्लावे इन स्पेनिश विच इज फेमिनिन एंड डेयर श्लूशल इन जर्मन विच इज मैस्कुलिन, तब रिस्पॉन्सेज फ्लिप हो गए थे। स्पेनिश यूज्ड वर्ड्स लाइक इंट्रिकेट, प्रिटी और शाइनी, वाइल जर्मन्स यूज्ड वर्ड्स लाइक यूजफुल, हार्ड एंड मेटली। ब्रिज या चाबी में कोई XX या XY क्रोमोजोम नहीं होता, येट हम इन पे मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेट्स अप्लाई करते हैं। दिस इज बिकॉज हमारा कल्चर इनको एक सर्टन वे में परसीव करता है एज फेमिनिन और मैस्कुलिन। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ग्रामेटिकल जेंडर, जहां लैंग्वेजेस कॉमन नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स पे ह्यूमन जेंडर अप्लाई करते हैं। कुछ उसी तरह जैसे हिंदी ट्रीट करती है पहाड़ को मैस्कुलिन और नदी को फेमिनिन, बादल को मैस्कुलिन और बारिश को फेमिनिन। क्योंकि हिंदी फ्रेंच की तरह एक जेंडर बाइनरी लैंग्वेज है, इसमें हर नाउन इधर मैस्कुलिन या फेमिनिन होता है, और इस नाउन के जेंडर के मुताबिक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ब्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स ट्रांसफॉर्म होते हैं। सो यूड से राहुल अच्छा लड़का है और अंजलि अच्छी लड़की है। इसमें अच्छा और अच्छी सब्जेक्ट के जेंडर के मुताबिक चेंज होते हैं। बचपन में हमारी हिंदी टीचर ने हमें सिखाया था कि जनरली ई एंडिंग साउंड्स फेमिनिन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नदी, कुर्सी या रोटी, और आ एंडिंग साउंड्स मैस्कुलिन होते हैं, जैसे कि कपड़ा, चश्मा या दरवाजा। बट मुझे ये काफी यूजलेस सा रूल लगता है बिकॉज इसमें इतने सारे एक्सेप्शन हैं। दही, हाथी और साथी मैस्कुलिन है, जो कि सारे ई एंडिंग साउंड्स हैं, और आवश्यकता, लता और माता ये सारे फेमिनिन वर्ड्स हैं, इवन इफ दे आर आकारांत।
ऐसे रूल्स मुझे इसलिए नहीं पसंद बिकॉज दे हाइड द ट्रूथ कि जेंडर एसोसिएशन फंडामेंटली एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है जो कि एक कल्चर अप्लाई करता है बेस्ड ऑन इट्स ओन सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस ऑफ जेंडर। हिंदी कार को फेमिनिन मानती है और ट्रक को मैस्कुलिन, नॉट बिकॉज ऑफ एनी लॉजिकल रीजन बेस्ड ऑन फोनेटिक्स बट बिकॉज हिंदी स्पीकर्स कार में एक एलिगेंस देखते हैं जो कि वो फेमिनिन के साथ एसोसिएट करते हैं और ट्रक में वो ताकत और रफनेस देखते हैं जो कि वो मैस्कुलिन के साथ एसोसिएट करते हैं। जेंडर एक कल्चरली सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द वर्ड फॉर पर्सन, व्यक्ति। हिंदी में व्यक्ति मैस्कुलिन है सो यू वुड से व्यक्ति नीचे गिर गया, बट मराठी में व्यक्ति इज फेमिनिन सो यू वुड से व्यक्ति खाली पडली, पडली बींग द फेमिनिन फॉर्म इन मराठी। दैट गोज ऑन टू शो दैट इवन बिटवीन कल्चर्स द सेम वर्ड्स कैन हैव डिफरेंट जेंडर्स। हिंदी जेंडर के मामले में संस्कृत से अलग है। संस्कृत में तीन जेंडर्स होते हैं, हिंदी की तरह दो नहीं, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल। लेट्स सी थ्री एग्जांपल्स ऑफ संस्कृत सेंटेंसेस। ही इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल और इट इज गोइंग टू स्कूल। दीज ट्रांसलेट टू सह विद्यालयम गच्छति, सा विद्यालयम गच्छति, तत् विद्यालयम गच्छति। बट नोटिस करो कि तीनों केसेस में जो वर्ब है वो सेम रहता है, गच्छति। देयरफॉर संस्कृत में वर्ब्स जेंडर्ड नहीं होते। Now that we saw कि हिंदी में दो genders होते हैं और संस्कृत में तीन genders होते हैं, let's look at other Indian languages and see how many genders do they account for. As you see, just like Hindi, even Punjabi and Haryanvi अपने languages में बस दो genders रखते हैं। This is also the case for most Rajasthani languages and Pahadi languages. संस्कृत की तरह मराठी, गुजराती, तमिल और कन्नड़ा में भी तीन genders होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल। बट यहाँ एक सटल सा डिफरेंस है इन हाउ द आर्यन लैंग्वेजेस एंड द्रविडियन लैंग्वेजेस अप्लाई दीज कैटेगरीज। एंड हाँ, मुझे ये स्पेसिफाई करना चाहिए कि आर्यन एंड द्रविडियन का डिस्टिंक्शन इज प्योरली अ लिंग्विस्टिक डिस्टिंक्शन। आर्यन लैंग्वेजेस आर दोज विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत एंड द्रविडियन लैंग्वेजेस आर दोज विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोटो द्रविडियन। सो बैक टू अ पॉइंट, तमिल एंड कन्नडा नाउन्स को दो बकेट्स में डिवाइड करते हैं based on whether a noun has self-awareness or not. Sometimes it's also referred to as rationality or not. Uirthinai and Agrinai. Uirthinai literally means the upper class. It contains the beings which have consciousness, which includes the gods and humans, specifically adult humans. And Agrinai has everything that does not have self-awareness. Funnily enough, even it includes children. The distinction of masculine and feminine is only applied in Uirthinai, while all the members of Agrinai are considered the neuter gender. In Marathi and Gujarati, however, non-living things can still be masculine or feminine. Therefore, neuter gender is just another class. Let's take for example the past tense of the verb fall, ya gir jana, and conjugate them with different nouns. Let's say masculine ke liye Rahul, feminine ke liye Anjali, and then some non-living things like fruit, book, river, dog. And let's see how these languages treat them. Notice karo ki Marathi and Gujarati mein Rahul is masculine, but so are mango and dog, which is why they use the same verb forms. Marathi mein Rahul khali padla, but also Kutra khali padla and Amba khali padla. Therefore, Kutra and Amba share the same gender as Rahul. Similarly, in Gujarati, Rahul niche padi gayo, but also Kutro niche padi gayo. Therefore, Rahul and Kutro share the same gender here. Anjali is feminine, but so is Nadi. Because in Marathi, Anjali khali padli, but also Nadi khali padli. Achha, by the way, Nadi ka gir jana koi sense nahi banta, but let's go ahead with the example. Similarly, Gujarati mein bhi Anjali niche padi gayi and Nadi niche padi gayi. गुजराती में इवन मैंगो या केरी इज फेमिनिन, सो केरी ऑल्सो नीचे पड़ी गई। फ्रूट एंड बुक आर द न्यूटर जेंडर बिकॉज मराठी में फल खाली पड़ले एंड पुस्तक खाली पड़ले बोथ हैव द सेम न्यूटर वर्ब फॉर्म पड़ले। एंड सिमिलरली इन गुजराती पुस्तक नीचे पड़ी गई एंड फल नीचे पड़ी गई बोथ हैव द सेम न्यूटर वर्ब फॉर्म गयू। बट कॉन्ट्रास्ट ऑल दिस विद तमिल एंड कन्नडा in which only Rahul is masculine. In Tamil, we have Rahul Kile Vilundan and in Kannada, we have Rahul Kelege Bidda. Notice that no other noun corresponds to either Vilundan or Bidda, making Rahul the only masculine noun here. Similarly, Anjali is the only feminine noun. It's Anjali Kile Vilundal in Tamil and Anjali Kelege Biddalu in Kannada.
Notice that no other noun form conjugates with either vilundal or biddalu. Rest all the items here are neuter because they use the neuter verb vilundatu in Tamil and bidditu in Kannada. Therefore, Dravidian languages may ek simpler or ek more logical categorization hota hai. Meanwhile, in Aryan languages, gender categorization is more random, maybe more subjective. Ab baat karte hain Telugu ki. It probably has one of the most interesting gender categorizations in the world. That is, it has masculine and non-masculine. That is, it treats feminine and neuter words in the same way. Notice ki in sare nouns mein, only Rahul has a masculine verb form. Rahul kinda padi poyadu. And all the other noun forms use padipoindi. So Anjali kinda padipoindi, Pustakam kinda padipoindi, Pandu kinda padipoindi, you know, and so on. Therefore, Anjali, Pustakam and Pandu, that is Anjali, the book and the fruit, they all share the same gender. And finally, we come to Malayalam. That's strange. Notice how Malayalam uses the same verb for all nouns. Rahul Tale Veenu, Anjali Tale Veenu, Pustakam Tale Veenu. You know, it's the same for everything. Does that mean Malayalam has no grammatical gender? Well, that's kind of right. Malayalam has no gender except for gendered pronouns. It makes a distinction between he, her and it. So you'd say Avan Tale Veenu, Aval Tale Veenu and Atta Tale Veenu. For he fell down, she fell down and it fell down. Beyond that, Malayalam mein either adjectives or verbs change nahi hote gender ke mutabik. That right there is exactly similar to a language in the far northeast, and that is Ohomia. Ohomia, just like Malayalam, has no gendered verbs or adjectives, but it has gendered pronouns. So for he fell down, you would say he poril, she fell down is tai poril, and it fell down is etu poril. Finally, my two quirky angels, Odia and Bengali. In dono languages mein gender ka concept hi exist nahi karta. Na verbs mein, na adjectives mein, aur na pronouns mein. So in Bangla, you would have Rahul pore gelo, Anjali pore gelo, Boy pore gelo. And similarly in Odia, you would say Rahul tole pore gala, Anjali tole pore gala, Bohi pore gala, etc. etc. This absence of gender is also seen in Nepali, spoken in Sikkim, Bhoti spoken in Ladakh and Maithili spoken in Bihar. यहाँ के speakers therefore जब एक gendered language सीखते हैं, जैसे कि हिंदी जब कोई सीख रहा है, तब उनको बहुत सारा confusion होता है, because all this concept of objects having gender is very alien to them. In fact, northeast के सारे states except for Assam में जो सारे regional languages बोले जाते हैं, उनमें gender exist नहीं करता, except for one place here in Meghalaya. Meghalaya में दो major tribes हैं, Garo और Khasi. The Garo language is from the Sino-Tibetan family, while Khasi is from the Austro-Asiatic family. And very mysteriously, Khasi is the only major language in Northeast which has grammatical genders of masculine and feminine, just like Aryan languages. In Khasi, a man came would be Ubra Ulavan, and a female came would be Kabra Kalavan. In both cases, the verb and the pronoun are marked by the gender, U for male and Ka for female. But you won't see that difference in Garo. From the same family that Khasi belongs to, which is the Austro-Asiatic, comes another tribe called the Munda people, who speak the Mundari languages like Santhali and Khoria. The beauty of these languages is that there is no gender per se, but they have markers for human and non-human. For example, a white person in Santhali would be called Pundik, but a white thing would be called Pondak. So overall, हम ये देखते हैं कि इंडिया में एक wide variety है in terms of how languages shape gender. There are languages like Hindi, Punjabi, Haryanvi and Rajasthani जो कि world को दो हिस्सों में divide करते हैं, masculine and feminine. वो अपने subjective experiences use करते हैं, चीज़ों को इन buckets में classify करने के लिए. Then there are Marathi and Gujarati जो कि दो नहीं बल्कि तीन buckets use करते हैं और अपने subjective experience का use करते हैं. Then there are Tamil and Kannada जिनके buckets तो तीन हैं, but they use a more objective manner of classification. Malayalam and Assamese ignore gender altogether, except for pronouns. So maybe instead of a bucket, they have like a glass. Bengalis, Odia and Nepali, well, they just ignore gender altogether. There is no bucket and no glass. And Mundari changes the whole way of looking at things. Instead of masculine and feminine,
it thinks of the world as human and non-human. So instead of buckets, it has, I don't know, chairs or hats. Therefore, India mein itne sare perspectives coexist karte hain dunya ko dekhne ke. So guys, that brings us to the end of the video. I know it was a very long video, so if you made it to the end, I think you're awesome and we should be friends in real life. I'll leave you with some personal thoughts on gender. Ab itne dur aayi gaye ho, toh 4 minute aur ruk hi jao. After I made this chart, I thought, wait a second. Why does this look like a right-wing, left-wing spectrum? You know, we basically have liberal communist states down at the bottom, jo ki transgender rights, LGBT rights, ke kafi pro hain. And then you have these traditional conservative states up above. Could it be that fundamentally linguistics is what shapes political ideologies? Dekho, these terms, masculine and feminine, they're universal in nature. Every culture talks about them in some forms. In West, they represent order and chaos. The psychoanalyst Carl Jung, for example, talked about the animus and the anima, that is the feminine in every man and the masculine in every woman. This view is also echoed in the Chinese philosophy, jahan pe masculine and feminine ko yin and yang se represent kiya gaya. Everything in nature is a balance of these two energies, they say. Aur hamare Hindu sanskriti mein bhi masculine aur feminine ko Shiva aur Shakti se denote kiya jata hai. शिवजी के अर्धनारेश्वर रूप का प्रतीक ही यही है कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आर इनसेपरेबल. सारी फिलॉसफीज कहती हैं कि जब एक कल्चर में फेमिनिन वीक हो जाए तो वो अपने ही वजन के नीचे दब जाता है, उसमें कोई वाइटैलिटी और विरिलिटी नहीं बचती. और जब एक कल्चर की मैस्कुलिन एनर्जी कम हो जाती है तो वो कल्चर करप्ट हो जाता है, उसमें कोई मोटिवेशन नहीं बचता एंड जस्ट लॉलेसनेस प्रिवेल्स. हैविंग सेड दैट, आई फील मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आर वेरी फ्लूइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंडिविजुअल. जब कोई आपको बोले कि एक मर्द को ऐसा होना चाहिए और एक औरत को ऐसा होना चाहिए, इट इज यूजली अ पॉलिटिकल टूल ऑफ कंट्रोल एंड एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव है जो कि एवरी कल्चर विल डिफर ऑन इट्स ओपिनियन. जब ब्रिटिश फॉर एग्जाम्पल इंडिया आए थे तो उनकी विक्टोरियन माइंडसेट हमारे जेंडर नॉर्म से कंफ्यूज हो गई थी. बंगाल में फॉर एग्जाम्पल एक कल्चरल एंड्रोजिनिटी एग्जिस्ट करती है विच कम्स फ्रॉम द ट्रेडिशंस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु वेयर मेल डिवोटीज वुड बिकम राधा टू कृष्णा और द एंड्रोजिनस वर्शिप इन सूफी इस्लाम वेयर डिवोटीज बिकम दीवानी ऑफ द ऑलमाइटी. ये सारा ब्रिटिश लोगों को समझ में नहीं आया. They would say that the Bengali man is effeminate. They didn't realize that as a culture, Bengal placed value on buddhi ball instead of bahu ball. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने पंजाबीज, राजपूत्स, जाट्स और मराठास को मार्शल रेसेस करके टर्म कर दिया था. दे सेड कि ओनली दीज पीपल नो हाउ टू फाइट एंड बंगाली पीपल कैन नॉट फाइट. इफेक्टिवली दे वर प्रोजेक्टिंग देयर आइडिया ऑफ मैस्कुलिनिटी ऑन टू आवर कल्चर. इवन स्वामी विवेकानंद जी वॉज इंस्पायर्ड बाई दीज आइडियाज एंड ऑन मल्टीपल ओकेजन्स ही आस्क्ड इंडियंस टू परस्यू मैस्कुलिनिटी टू बिकम अ मैन. स्वामी जी इवन सेड यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू द स्टडी ऑफ द गीता. इट कैन ऑल्सो बी आर्ग्यूड कि नेताजी बोस वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई दीज आइडियाज एंड अ की मोटिवेशन फॉर हिम वॉज टू प्रूव दैट बंगाली मैन आर नो लेस मैस्कुलिन in quotes than anyone else. I personally feel that we as a society place a lot of value in ensuring ki hum ye masculinity or femininity ke definitions mein fit ho. West mein abhi ek debate chal raha hai about gender pronouns. Effectively, some people who are not comfortable with the idea of he and she are choosing to have more pronouns to represent their gender. And some people in India also think we should be doing that to our languages so that our languages are more gender neutral. But honestly, how do you even do that in the context of India, jahan pe not just pronouns but also verbs and adjectives are gendered? And which direction do you exactly go? Do you remove classes like Odia and Bengali or do you add new classes like Marathi and Tamil? Usually at this point, I would say some chikni chupadi baatein to get you to subscribe. But I know we're homies, so we don't need that kind of psychological manipulation. So yeah, just do your thing, pour me some love, and I'll see you in the next video. And if you want to support this channel, guys, there are links in the description box below. Alright, that's all for this video. I'll see you in the next one. And I hope it won't be as long as this one. Bye.